नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियोस में हम आपसे बात करेंगे। दोस्तों अगर आपके पास लेबर कार्ड है तो 1 लाख रुपये महीना मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो। इसकी लास्ट डेट भी जारी हो चुकी। अगर आप इस मतलब लास्ट के पहले ही अप्लाई कर देते हो तभी जो है आपका सिलेक्शन हो सकता है और आपको 1 लाख रुपये से भी ज़्यादा जो है महीना मिल सकता है, यानी एक नौकरी मिल सकती है। अगर आप पढ़े लिखे हो यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ कार्ड है फिर भी, और नहीं भी है तो फिर भी अप्लाई कर सकते हो। तो इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वैसे दोस्तों मैंने इसके ऊपर एक पहले वीडियो सी बनाई थी, लेकिन यहाँ पे मैं इसीलिए वीडियो से लेकर आया हूँ, काफ़ी लोग जो है नहीं पता होगा इसकी लास्ट डेट जारी हो चुकी है। दोस्तों अच्छे से समझाने के लिए मैं ले चलता हूँ आपको ऑफिशियल पोर्टल पर, वहीं पर सारा कुछ समझाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको दोस्तों इस पोर्टल पर आना पड़ेगा। इस पोर्टल पर आने के लिए किसी गूगल को ओपन करोगे, सर्च करोगे upbscw.in, आप इस पेज पर आ जाओगे। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ पर क्लिक करके यहाँ पे आप आ सकते हो। आवासीय विद्यालय योजना की शुरुआत की गई थी उसी समय। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक आर्टिकल लिख के दिया गया था, मतलब जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो भी लोग हैं मतलब उनको सरकार के द्वारा जो भी नौकरी प्रदान की जाएगी। स्कूलों की स्थापना की गई, वहाँ पर टीचर्स एडमिन प्रिंसिपल लिए जाएंगे और वो लोग अप्लाई कर सकते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है तो उन्हें जो है अलग अलग सैलरी अमाउंट मिलेगा, तीनों लोगों को अलग अलग। देखिए यहाँ पर इसकी जो है आप अच्छे से समझने के लिए जो है इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है इसकी जो अंतिम तिथि वो 31/12/2022 से मतलब से बढ़ाकर 15/1/2023 तक कर दी गई है। और आप दोस्तों देखिए आगे इसको करते रहोगे, यहाँ पर जो है लिंक भी आपको मिल जाएगी, डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हो। अप्लाई करने के ऊपर भी दोस्तों मैं पहले ही वीडियो सुना चुका हूँ, अगर चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हो। अभी जो है अभी डेट आपके लिए बाकी है। देखिए नौकरी का दोस्तों विवरण देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें। यहाँ पर आपको सारा कुछ जो भी डिटेल यहाँ पे मतलब जो भी PDF डाउनलोड हो जाएगी और यहाँ से आप देख सकते हो, यानी आपको समझ में आ जाएगा। आवेदन करने के लिए क्लिक करें, यहाँ से आप क्लिक करके आवेदन भी कर सकते हो। चलिए अब मैं PDF डाउनलोड करता हूँ यहाँ पे क्लिक करके और आपको अच्छे से डिटेल में समझाता हूँ। देखिए इस प्रकार से PDF ओपन होगी। नीचे के लिए आप स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करने के बाद सारा कुछ लिखा हुआ है, आपको काम क्या करना पड़ेगा, कितनी आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो सारा PDF में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल लोग लिए जाएंगे, एडमिन लोग लिए जाएंगे और टीचर्स लोग लिए जाएंगे। देखिए प्रिंसिपल की सैलरी होगी वो 1,20,000 रुपये होगी, एडमिन की सैलरी होगी वो 1,05,000 रुपये होगी और टीचर की सैलरी होगी वो 62,000 रुपये होगी। देखिए सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। तो अगर दोस्तों आप भी अप्लाई करना चाहते हो, आप भी पढ़े लिखे हो, आप भी जो भी नौकरी लेने की सोच रहे हो तो अप्लाई कर सकते हो, आपका भी दोस्तों सिलेक्शन हो सकता है और आपको एक अच्छा अमाउंट के साथ नौकरी मिल सकती है। देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों, मैं पूरा पढ़ के आपको दिखाते हैं। प्रधानाचार्य और प्रशासनिक अधिकारी के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है, यानी प्रधानाचार्य की जो आवेदन की तिथि वो अंतिम तिथि वो 31/12/2022 से बढ़ाकर 7/1/2023 तक तथा अधिकारों की आवेदन की अंतिम तिथि है वो 31/12/2023 से बढ़ाकर 15/1/2023 तक कर दी गई है, वो आप पढ़ सकते हो तो और आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई कर सकते हो, 15 तारीख तक इसकी लास्ट डेट है, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। यानी प्रधानाचार्य की आवेदन की तिथि वो यहाँ पे 31/12 तक थी और अब 7/1/2023 तक कर दी, यानी आज रात तक अप्लाई कर सकते हो। और जो यहाँ पे अधिकारी की आवेदन की तिथि है वो 31/12 से बढ़ाकर 15/1/2023 तक कर दी गई है। तो अब आपको पूरी डिटेल समझ में आ गई होगी। अगर आवेदन करना चाहते हो तो मैं वीडियो सुना चुका हूँ, उस वीडियो को देखकर आप आवेदन कर सकते हो। बाद में किसी प्रकार की प्रॉब्लम या दिक्कत आपको आती है दोस्तों तो आप कमेंट कर सकते हो। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक थैंक यू सो मच।